हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो पे। अगर आपका बाइक पे बिप्रे डिस्क ब्रेक सिस्टम है और आप बोथ व्हील्स का डिस्क पैड क्लीन और रिप्लेसमेंट करना चाहते हो, तो दोस्तों आज जो प्रोसेस बताने वाला हूँ डिस्क पैड रिप्लेसमेंट का, आज तक आपको कोई नहीं बताया होगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं डिस्क ब्रेक पैड क्लीन और रिप्लेसमेंट कैसे किया जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट फ्रंट डिस्क पैड को ओपन करते हैं। इस टाइप कैलिपर पे ए टू पिक कैलिपर माउंटिंग बोल्स का ना खुले, आपको इस स्टार एलन की बोल्स को ओपन करना है। ये देखिए स्टार टाइप एलन की। इस एलन की के हेल्प से पैड पिन को फर्स्ट लूज कर लेना है, उसके बाद पैड पिन को हैंड से होल्ड करें और बाहर निकालें। नेक्स्ट पैड स्प्रिंग को हैंड से होल्ड करें और सावधानी से बाहर निकालें। नेक्स्ट स्मॉल फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर का हेल्प से इस तरह पैड को बाहर निकालें। सेम अदर पैड को भी बाहर निकालें। नेक्स्ट सैंड पेपर को प्लेन सरफेस पे रखना है, उसके बाद सैंड पेपर का ऊपर पैड को इस तरह क्लीन करें। अगर पैड कंडीशन बहुत खराब है तो क्लीन करने का जरूरी नहीं है, सेम अदर पैड को भी क्लीन करें। ये देखिए बोथ पैड क्लीन हो गया। अब चलिए इंस्टॉल करते हैं। पैड इंस्टॉल करने से पहले कैलिपर असेंबली का इस एरिया को थोड़ा सा क्लीन कर लेना है। अब पैड को हैंड से होल्ड करें और इस पोजीशन पर रखें, उसके बाद हैंड से थोड़ा सा प्रेस करें। नेक्स्ट अदर पैड को इस पोजीशन पर रखें और हैंड से प्रेस करें। नेक्स्ट पैड स्प्रिंग को हैंड से होल्ड करें और इस तरह रखना होगा, उसके बाद पैड पिन को फर्स्ट हैंड से थोड़ा सा पुश करें, उसके बाद पैड पिन। पैड स्प्रिंग का एक ग्रुप के ऊपर रखें, उसके बाद पैड पिन को फाइनली टाइट करें। सो ये हो गया फ्रंट डिस्क पैड का काम। नेक्स्ट चलिए रियर व्हील पैड क्लीन करते हैं। तो पहले आपको पैड पिन का ए स्प्लिट पिन को ओपन करना है। ओपन करने के लिए नॉइस प्लेयर के हेल्प से ओपन करें। नेक्स्ट आपको एक स्मॉल साइज पिन लेना है और पिन को पैड पिन ग्रुप पे फर्स्ट इंस्टॉल करें, उसके बाद प्लास्टिक मैलेट से पिन के ऊपर थोड़ा थोड़ा प्रेस करें। और ये देखिए पैड पिन बाहर आ गया। अब हैंड से होल्ड करें और पैड पिन को बाहर निकालें। नेक्स्ट पैड को हैंड से होल्ड करें और बाहर निकालें। सेम अदर पैड को हैंड से होल्ड करें और बाहर निकालें। अब चलिए सेम प्रोसेस से बोथ पैड को क्लीन करते हैं। देखिए क्लीन हो गया। चलिए अब इंस्टॉल करना है। पैड को हैंड से होल्ड करें और इस पोजीशन पर रखें। नेक्स्ट अदर पैड को भी सेम अदर साइड पर रखें, उसके बाद पैड परफेक्ट सेट है या नहीं चेक करें। ये देखिए डिस्क पैड इस ग्रुप पे इंस्टॉल है। आप कभी भी पैड इंस्टॉल करते टाइम पैड इस ग्रुप पे इंस्टॉल है या नहीं चेक करें और उसके बाद पैड पिन को लगाना है, बट पैड पिन का ए होल्ड ऑल टाइम अप साइड रहेगा। चलिए पैड पिन को इंस्टॉल करें। अब पैड पिन को पुश करना है, उसके लिए स्मॉल साइज फिलिप हेड स्क्रू ड्राइवर को पिन का ऊपर रखें और ड्राइव को प्रेस करें। ये देखिए पिन सेट हो गया। अब पिन होल पे स्प्लिट पिन को इंस्टॉल करें। तो फ्रेंड्स वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें। फिलहाल के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो पे।